Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पोएम लेकर आई हूँ. पोएम का नाम है द सॉलिटरी रीपर और इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. ये जो पोएम है ये एक बैलड है. बैलड मीन्स अ लॉन्ग सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, यानी एक लंबा गीत या एक लंबा पोएम जो कि एक स्टोरी बताता है. ये पोएम JCERT के क्लास 7 के इंग्लिश बुक डालिया से ली गई है और ये चैप्टर नंबर 2B है. बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम, लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. ही वॉज बॉर्न ऑन April 7, 1770 एंड ही डाइड ऑन April 23, 1850. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्स एंड अ फाउंडर of the romantic movement of English literature of England in 1843. The Solitary Reaper was published in 1807. Wordsworth has written more than 700 poems. William Wordsworth ka janm hua tha April 7, 1770 ko aur inki death ho gayi thi April 23, 1850 ko aur wo kai important poets mein se ek hain. और वो रोमांटिक मूवमेंट, इंग्लिश लिटरेचर का जो रोमांटिक मूवमेंट था उनके ये फाउंडर थे. सॉलिटरी रिपेयर जो पोएम थी ये 1807 में पब्लिश हुई थी, हालांकि इसको लिखा गया था 1805 में. वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन मोर देन 700 पोएम्स. इन्होंने 700 से भी ज़्यादा पोएम्स लिखे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Behold her single in the field. Behold her. Behold means ध्यान से देखना, यानी उसे ध्यान से देखो. Single in the field, वो खेत में अकेली. Yon solitary highland lass. Yon means वो. Solitary means एकांत. Highland एक स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी जगह है और lass means लड़की. यानी उसे ध्यान से देखो, वो खेत में अकेली लड़की, एकांत में वो पहाड़ी लड़की. Reaping and singing by herself. Reaping means फसल काटना. So वो फसल काट रही है और अपने आप में ही गा रही है. Stop here और gently pass. मैं यहाँ रुकूं या चुपचाप चला जाऊं. Alone she cuts and binds the grain. वो अकेली फसल काट रही है और grains को बांध रही है. And sings a melancholy strain. Melancholy strain means दुख भरा गाना. और वो एक दुख भरा गाना गाती है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. वेल प्रोफाउंड मीन्स गहरी घाटी. ओ लिसन यानी अरे सुनो. गहरी घाटी में उसकी आवाज़ इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. उसकी आवाज़ गूंज रही है उस गहरी घाटी में. लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड स्टैंजा. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. वेरी बाउंस मीन्स वेरी बैंड्स, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. यात्रियों का थका हुआ समूह. ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरबियन सैंड्स. कोई भी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल एक प्रकार का बर्ड है, वो पोएट कहता है कि कोई भी नाइटिंगेल इतना अच्छा नहीं गाता होगा. वो क्या गा रहा है? वो वेलकम नोट्स गा रहा है. नाइटिंगेल वेलकम नोट्स गा रहा है किनके लिए? यात्रियों के थके हुए समूह के लिए जो कि एक शेड में रुके हैं, आराम कर रहे हैं. अमंग अरबियन सैंड्स यानी अरब के रेगिस्तान में. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड. इस तरह की आवाज़ जो उस लड़की की आवाज़ है, उतना थ्रिलिंग आवाज़ पोएट ने कभी नहीं सुना. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कक्कू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादेस्ट हर्ब्राइज. हर्ब्राइज इज अ नेम ऑफ अ प्लेस विच इज इन स्कॉटलैंड. पोएट यहाँ दो चीज़ों से कंपेयर करता है लड़की की आवाज़ को, एक तो नाइटिंगेल से और दूसरा उस कक्कू बर्ड से जो कि स्प्रिंग टाइम में गाती है, जो कि सीज के यानी समुद्र के शांति को भी
तोड़ देती है अमंग द फादेस्ट हर्ब राइट्स. हर्ब राइट्स इज अ नेम ऑफ अ प्लेस एज आई टोल्ड यू. ये स्कॉटलैंड का एक आइलैंड है जहाँ पर ये स्प्रिंग सीजन में कक्कू बर्ड गाती है जो कि समुद्र की शांति को भंग कर देती है. Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things. Plaintive numbers means दुख भरे गाने. शायद वह दुख भरे गाने गाती है for old, unhappy, far off things. या तो वो किसी पुरानी चीज़ के लिए वो गाना गाती है, या तो कोई unhappy चीज़ के लिए यानी दुखद चीज़ के लिए वो गाना गाती है, या किसी ऐसी चीज़ के लिए गाना गाती है जो कि दूर चली गई हो and battles long ago, या फिर किसी battles means युद्ध, ऐसे युद्ध के बारे में वो गाना गा रही हो जो कि लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पुराने युद्ध के बारे में वो गाना गाती है. और इज इट सम मोर हम्बल ले, हम्बल ले मीन्स डे टू डे सॉन्ग, या फिर ये किसी कोई वर्तमान या किसी साधारण घटना से संबंधित ये गाना है, ये गीत है. फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या तो कोई चिर परिचित मैटर है उसके बारे में ये गाना है. सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर किसी नेचुरल दुख यानी किसी प्राकृतिक दुख, लॉस यानी किसी कोई ऐसा चीज़ जो कि क्षति हो गई हो उसके बारे में वो गाना है, या फिर तकलीफ के बारे में वो गाना है. दैट हैज़ बीन मेड एंड दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कि पहले घटित हुआ हो या पुनः घटित हो सकता है उससे संबंधित ये गीत हो. वट एवर द थीम द मेडन सैंग, मेडन मीन्स यंग गर्ल, उस युवती द्वारा उस गीत का मूल चाहे कुछ भी हो, उस युवती द्वारा जो गीत गाया गया उसका थीम चाहे कुछ भी हो. एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है मानो उसके गीत का कोई अंत ही ना हो. I saw her singing at her work. मैंने उसे उसके गीतों को उसके काम में गाते हुए सुना. And over the sickle bending. सिकल यानी हसिया, एक प्रकार का फसल काटने का हथियार इस तरह का. वो उसके हसिये की गोलाई पर गोलाई के साथ में काम करती, यानी जो हसिया होता है वो गोल होता है जिससे कि फसल काटने का काम लिया जाता है. और जो जब वो लड़की उस हसिये से फसल काट रही होती है तब वो गाना गाती है. आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मोशनलेस यानी स्थिर गतिहीन. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, मैंने उसे सुना स्थिर और गतिहीन होकर. कब सुना? एज आई माउंटेड अप द हिल, जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा. द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, उसका जो संगीत था मेरे हृदय में समा गया, हालांकि लंबे समय बाद तक मैंने इसे दोबारा कभी नहीं सुना. आई होप कि ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इफ इट इज सो, please like my video, share it with others and do subscribe my channel for further videos. Thank you.